Dear parents and student, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar, mobile number 7568077458, class 6th, subject geography, chapter number 2, lecture number 7. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें, जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें। चैप्टर 2 लैंडफॉर्म्स। नाउ वी कंप्लीट द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। टिल हियर तिब्बतन प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू वी कंप्लीटेड इन द लास्ट लेक्चर। Now come to next question number 5. Explain how the following are formed. A. Fold mountain. They are formed by the buckling of the earth crust due to forces of compression. Earth crust mein means earth ke andar ki taraf. Earth crust mein dabav padne se. दबाव पड़ने से कुछ प्लेट्स टकराती है, उससे बनते हैं फोल्ड माउंटेन। दिस प्लेट्स प्रोसेस जनरली हैपन्स ड्यू टू कॉलिजन ऑफ टू प्लेट्स। दो प्लेट्स के टकराने पर फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। बी ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैली। आंसर Movements of the earth crust may cause cracks to occur, resulting in the crust breaking into blocks. Earth crust में cracks आते हैं, cracks blocks में convert होते हैं, ठीक है? तो इससे तो बन गए block mountain. Crystal blocks collapse due to this force. Living to raise block mountain, extremely steep-sided block mountains create rift valley that have flat floors. क्या होता है? अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें क्रैक्स आते हैं, क्रैक्स आने से वो ब्रेक्स में डिवाइड हो जाती है, ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है। फिर इन ब्लॉक्स में जो क्रिस्टल ब्लॉक्स होते हैं, है ना, तो ये ब्लॉक्स भी टूटते जाते हैं और इनसे अगेन दो ब्लॉक बन जाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, वो दो ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? तो उन दो ब्लॉक में से जो सेंटर वाला होता है, जो डाउन होता है, वो तो हो जाता है रिफ्ट वैली, और जो साइड में दो बड़े बड़े ब्लॉक बन जाते हैं, वो हो जाते हैं फोर ब्लॉक माउंटेन। नंबर सी वॉल्केनिक माउंटेन। दे आर मेड अप ऑफ मॉल्टेन मटीरियल नोन एज मैग्मा। दीज मटीरियल इरप्ट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर थ्रू एन ओपनिंग। वॉल्केनिक माउंटेन जो होते हैं, जो लावा से मिलकर बने होते हैं, और जो मटीरियल निकलता है वॉल्केनिक माउंटेन्स बनने के लिए, मतलब वॉल्केनो में से जो मटीरियल निकलता है, उस मटीरियल को हम क्या कहते हैं? मैग्मा। डी लावा प्लेट्यू। Sometimes magma may come out from long narrow fissures or cracks on the ground. The magma is spread over large area and solidified as a lava sheet. What happen? Volcanic mountains जो बनते हैं वो तो क्या बनते हैं, जो mountain की peak से जो lava निकलता है उससे volcanic mountains बनते हैं। लेकिन lava plateau कैसे बनते हैं? अब mountain के या प्लेट्यू से, किसी भी प्लेट्यू से, ठीक है, उसके साइड में क्रैक आया है, है ना? साइड में क्रैक आने से क्या होता है, जो लावा निकलता है बाहर वो ऐसे फ्लोर पे इकट्ठा हो जाता है। तो फ्लोर पे इकट्ठा होने के बाद में जब वो थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो वो एक तरह से शीट में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसी बहुत सारी शीट की जो लेयर बन जाती है, तो उसे लावा प्लेट्यू कहते हैं। डिसेक्टेड प्लेट्यू।
When a plateau is transferred by several rivers, deep valleys are cut on the surface by the action of running water. अगर एक प्लेट्यू है, ठीक है, उस प्लेट्यू से बहुत सारी रिवर्स गुजर रही है ना, तो उसमें ऐसे बहुत सारे कट लग जाते हैं रनिंग वाटर की वजह से. वाटर का जो फ्लो होता है उससे भी आपको पता है बहुत सारा मतलब वाटर के फ्लो में कुछ भी नहीं रह सकता. इवन कभी कभी वाटर का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि जो हिल्स होती हैं वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो जाती है. द कटिंग अप ऑफ द प्लेट्यू इंटू स्मॉल री सेक्शन इज कॉल्ड डिसेक्टेड प्लेट्यू. ठीक है, तो एक प्लेट्यू जो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम कहेंगे डिसेक्टेड प्लेट्यू. गिव वन रीजन टू एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ए, प्लेट्यूज आर ऑल्सो रेफर्स एज स्टेबल एंड. वाई वी कॉल प्लेट्यू एज स्टेबल एंड? बिकॉज इट इज फ्लैट ऑन द टॉप. Because they are flat-top highland with steep sides that rise abruptly from the surrounding areas. Plateaus का जो होता है वो flat जो top जो होता है वो बिल्कुल flat होता है, तो उसे इसीलिए उसे table land कहते हैं. Table flat होता है. B, old fold mountain have low rounded peaks. Old fold mountain जो होते हैं उनकी rounded peaks क्यों होती है? Because they have been worn down by agents of denudation such as rivers and glaciers over a long period of time. Old Fold Mountains में क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसे rivers और snowfall वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका जो pressure पड़ता है तो उनसे उनका जो top होता है ना वो थोड़ा rounded peak हो जाती है, मतलब pointed peak नहीं रहती है. Most fold mountains occur at the margin of plates. Usually जो fold mountains बनते हैं वो plates के margin पर बनते हैं. Because the process of formation of fold mountain happens when two plates move towards each other. Fold mountains कैसे बनते हैं? जो कोई भी दो plates है earth के surface में, crust में, underground में, तो वो दो plates एक दूसरे से टकराती हैं तो बनते हैं फोल्ड माउंटेन. क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. A, state the reasons why mountains are important to us. Why mountains are important? 1, glaciers providing water for irrigation and generation of electricity and navigation. Water important क्यों है? Because glaciers से हमें irrigation, electricity और navigation. Navigation का तो ऐसा है कि हमें direction पता पड़ता है. इरीगेशन और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ग्लेशियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहीं से हमें वाटर मिलता है. जो रिवर्स पूरे साल फ्लो करती है थ्रू आउट द ईयर, वो किसकी वजह से कर रही है? ग्लेशियर्स की वजह से. माउंटेंस आर एरियाज ऑफ डेंस वेजिटेशन विच आर होम टू मैनी एनिमल्स. माउंटेंस जो है वो बहुत सारे एनिमल्स का होम होता है. थर्ड, Terraces are made on mountain slope to cultivate crops such as rice and fruits. Yes, if you want to grow apples, rice, tea, coffee, then you need to follow the pattern of their farming, like terrace farming. B. How are plateau beneficial for us? Why are plateau beneficial for us? कैसे प्लेट्यू हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है? नंबर 1, मैनी माइनिंग फील्ड्स डेवलप इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ इंडिया. प्लेट्यूज जो होते हैं वहाँ पर मिनरल्स बहुत होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी माइनिंग फील्ड्स हैं जो कि छोटा नागपुर में है इंडिया में, तो माइनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है हमें प्लेट्यू. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द लावा प्लेट्यू. लावा प्लेट्यू में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस रहती है.
Rivers such as Congo and Colorado that descended from the edge of the plateau create waterfalls and ideal for hydroelectric power generation. कौन सी रिवर्स? कैंगो एंड कॉलोराडो. ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पर है? प्लेटो की ईजेस पे फ्लो करती है. तो यहाँ से जो वाटरफॉल होता है वो वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है. बिकॉज प्लेटो क्या होता है, उस बिल्कुल स्ट्रेट होता है ना, उसकी साइड्स भी स्ट्रेट्स होती है, उसका टॉप भी स्ट्रेट होता है. तो वहाँ से जो वाटरफॉल होता है वो बहुत स्पीड में वाटर फोर्सफुली है ना बेस पे आता है वाटर. तो वो मतलब इतना फोर्सफुली आता है कि उससे एक एनर्जी क्रिएट हो सकती है, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेशन. इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हो. बाकी जो माउंटेन्स के साथ जो रिवर्स वाटरफॉल होते हैं ना स्लोप पे zigzag मूवमेंट में, उनकी स्पीड नहीं होती है. हाउ आर एल्यूवल प्लेन्स फॉर्म्ड? एल्यूवल प्लेन्स कैसे बनते हैं? एल्यूवल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिशन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले एल्यूवल बाय द रिवर्स. यूजुअली रिवर्स के साथ में जो सॉइल होती है रिवर्स में वो होती है एल्यूवल सॉइल. ठीक है, तो जैसे जैसे रिवर फ्लो करती है, यूजुअली क्या होता है रेनी सीजन्स में रिवर का जो एरिया होता है काफ़ी बड़ा होता है, सर्कमफेरेंस एरिया. ठीक है, और धीरे धीरे जब समर्स आती है तो एरिया कम हो जाता है. तो रिवर ज़्यादा फ्लो करके जाती है तो उस जगह पे सॉइल साथ में जाती है, तो वो बहुत सारी एरिया में फिर जैसे रेनी सीजन चला गया है तो उसके बाद रिवर का एरिया कम हो जाता है, तो जो साइड का एरिया बचता है जैसे हम रिवर बैंक्स करते हैं कहते हैं रिवर का किनारा, तो वहाँ पर लोग फार्मिंग करते हैं. तो फार्मिंग के लिए ये एल्यूवियल सॉइल बहुत अच्छी रहती है. डी, एक्सप्लेन द मेजर डिफरेंसेस इन द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ माउंटेन एंड प्लेन्स. सो नाउ वी डिस्कस द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ माउंटेन एंड प्लेन्स. लाइफ इन द माउंटेन्स, पॉपुलेशन डेंसिटी. Fewer people choose to live in its difficult terrain. It is very difficult to live in terrain, mountain area. Plains are flat, which makes it easy to build houses and roads. It's very easy to estate any plains because you can build your house, roads, any construction, any development easily. Shelter and clothing. People wore woolen clothing during many months in a year. So there is no season for mountains area people, because वहाँ पर कभी भी हमेशा जो environment रहता है वो chill रहता है, cold रहता है. Light cotton clothing is preferred for the rest of the year. Winters में plain area में लोग woolens prefer करते हैं, otherwise light और cotton clothing ज़्यादा prefer की जाती है. Cultivation. Some crops such as tea and coffee may be grown in gentle slopes. वहाँ पर कौन सी crops grow की जाती है? Tea and coffee. Many types of crops are grown and here and plain area में बहुत सारी crops grow कर सकते हैं. Transport. Roadways and the most common transport. So that वहाँ पर सिर्फ एक ही transportation है, roadways. जो भी बहुत रिस्की है. इट इज़ ईजी टू एस्टैब्लिश अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज ऑन फ्लैट लेवल लैंड. वहाँ पर सिटीज़ में, प्लेन एरियाज़ में रोड और रेलवे इन सब का काफ़ी लार्ज नेटवर्क होता है. ओके, हियर वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी.
So complete your work and send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना वर्क रफ नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.